करके जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को बहुत बड़ी कांग्रेचुलेशन कि छत्तीसगढ़ में जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के पदों पर जो है भर्ती निकल कर आ रहा है। और बात करेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा जो है कितना, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है खाद्य निरीक्षक आपूर्ति निरीक्षक में, और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, कोई भी कोर्स हो आपका, बस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपका 21 वर्ष जो है कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका सीधी भर्ती है, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है कब है। तो इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है, जब भी संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।